इस बीच चलिए एक बार देखते हैं एडीजी ग्रुप के स्टॉक्स में क्या हो रहा है। मार्केट अपने इंट्राडे हाई पे इस समय है और निफ्टी में इंट्राडे लो से अगर आप देखें तो 125 अंकों की रिकवरी इस समय देखने को मिल रही है। 1% से ज्यादा की बढ़त 7642 पर निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए, और इसमें जो मोमेंटम प्ले है उसमें मजबूती और स्ट्रांग हुई। हमने एडीजी ग्रुप के स्टॉक्स की बात की थी, वहां पर आप देखिए आप रुझान किस तरह का देखने को मिल रहा है, लेड बाय रिलायंस इंफ्रा। यहाँ पर करीब रिलायंस इंफ्रा पर 7.25% की तेजी है, रिलायंस पावर, आरकॉम, आरकैप, रिलायंस डिफेंस सारे ही अच्छी मजबूती के साथ। आशीष, इसमें आप कहीं ऐड करेंगे? रिलायंस इंफ्रा एक मुझे अच्छा लगता है इस पूरे आर एडीएजी ग्रुप में, बट अभी भी मेरा सलाह ये रहेगा क्योंकि अभी जो मार्केट का डायरेक्शन है उसमें जो बाइंग हो रही है वो मोस्टली एफआईएस की तरफ से बाइंग हो रही है, और काफ़ी क्वालिटी स्टॉक्स में जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वहाँ बाइंग हो रही है। तो इनफैक्ट जो आप देखिए टाटा ग्रुप के स्टॉक में कितना फैंटास्टिक टर्न अराउंड आया, भले टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो या दूसरे स्टॉक्स हो, तो अभी जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है इन सारे स्टॉक्स में हो रही है। तो आर एडीएजी ग्रुप की बजाय जहाँ पे रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ ज़्यादा है, बेटर है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स जो वो भी लीडिंग कंपनियाँ जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर या टाटा पावर जैसे स्टॉक्स में बाइंग की जाए, वहां पे मुझे लगता है कि ज्यादा सेफ्टी रहेगी मनी की। और एट द सेम टाइम इस बार कोई नतीजों में कोई निगेटिव सरप्राइज भी मुझे नहीं लगता है नतीजों में है। तो इनफैक्ट टाटा स्टील मेरा मानना है इस महीने में ही करीब 350 का लेवल आ सकता है, ऐसे ही टाटा मोटर्स में भी यहाँ से 20-25 रुपए बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं। 126-80 पे मेरे इनफैक्ट शुक्रवार को आपको याद होगा 20 रुपए हम बात कर रहे थे जो प्रोविजन नंबर्स थे, उसके बाद 114 रुपये से स्टॉक अब 127 रुपये स्ट्राइक कर रहा है। बाजार में जोरदार तेजी है और यही कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार में आप देखें इस वक्त तेजी पकड़े हुए 127। आखिरकार आशीष ये समझना चाहेंगे कि ये जो कमेंट्री थी कंपनी की तरफ से और जो प्रोविजनल फिगर्स थे वो क्या इतने जोरदार थे कि आप BHL को, आई मीन ऑलमोस्ट ये शायद अब आपको एक इंडेक्स का काउंटर ना लगे, आपको एक स्मॉल कैप कंपनी भी एक छोटा स्टॉक माफ कीजिए स्मॉल कैप तो नहीं, एक छोटी कंपनी नजर आएगी एज पर द प्राइस। आप इंटरेस्टेड हैं BHL में आफ्टर Q4 प्रोविजन नंबर्स? बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड रहूंगा वीरेंद्र अभी इन स्टॉक्स में। मैंने रिसेंटली इस स्टॉक का और इसे इन डेप्थ स्टडी किया, और मेरा मानना है कि जो एक नेगेटिविटी थी पावर सेक्टर में ऑर्डर्स को लेकर या एक मोमेंटम जो पिछले साल तक बिल्टअप नहीं हुआ था, अब इस साल से धीरे धीरे मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। तो और जो कॉन्फिडेंस है, बिजनेस कॉन्फिडेंस है कंपनियों का, वो थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है। जरूर जो उनके जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो ऑर्डर्स है उसमें इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, बट डोमेस्टिक ऑर्डर में मुझे लगता है धीरे धीरे पिकअप होगा। और अभी जो वैल्यूएशन है BHL के वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, यहाँ से कोई डाउनसाइड 10% से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती। बट यहाँ पे यदि रिटर्न आया और या दोबारा से स्टॉक की री रेटिंग हुई तो यहाँ से बिल्कुल 100 रुपये तक का इजाफा एक शॉर्ट टर्म में हो सकता है। एक लाइव एग्जाम्पल टाटा स्टील है जिसने इनफैक्ट 220 रुपये तक के लो टच करके जैसे ही थोड़ा सेक्टर री रेट हुआ तो फिनोमिनल ग्रोथ दिखाया, इनफैक्ट 50% से ज़्यादा स्टॉक में रिटर्न मिल चुका है। तो इस टाइप के रिटर्न बिल्कुल BHL में भी पॉसिबल है। 10% का डाउनसाइड और 50% की अपसाइड रूल आउट नहीं की जा सकती शॉर्ट टू मीडियम टर्म। बिल्कुल, इस बीच बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर तो है ही, लेकिन आप देखिए तेजी किस तरह की देखने को मिल रही है। 1% से ज्यादा का मूव निफ्टी पर इस समय देखने को मिल रहा है और 7645 का इसने हाई हिट किया है। इसमें जो गेनर्स हैं अपार्ट फ्रॉम टेलीकॉम आप देखें हिंडालको करीब 5% ऊपर है, बॉश, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स पर इनफैक्ट अब 4% का मूव हो चुका है। BHL की हमने भी बात की, टाटा स्टील, बैंक ऑफ बड़ौदा और BPCL इंडसइंड बैंक, ये कुछ इन अकाउंटर्स हैं जिस पर अच्छी तेजी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 2% ऊपर, और साथ ही TCS, टाटा पावर, टेक महिंद्रा और विप्रो, ये सारे काउंटर्स 1.25% से लेकर 2.5% तक की तेजी दिखा रहे। लेकिन इन सब के बावजूद एक तबका ऐसा है मार्केट में जहां पर आज न्यूज फ्लो भी नेगेटिव है और इम्पैक्ट भी नेगेटिव है, लिकर स्टॉक्स। इसे अगर आप देखें अब, क्योंकि तमिलनाडु में जो चुनाव है उसमें दोनों मुख्य पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है वोटरों से कि वो पूरी तरह से शराब की जो बंदी है उसे लगाएंगे तमिलनाडु में अगर वो चुने जाते हैं, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आज इन सारे स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। आशीष, ये इफ समबडी वॉज इन्वेस्टेड तो ये इससे कैसे निपटे? आप देखिए इवन अ लार्ज कैप स्टॉक लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स वो इसी तरह के न्यूज फ्लो के चलते चलते देखिए कहाँ तक आ चुका है स्लाइडों के।
बिल्कुल, इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट तो आज अपने 52 हफ्तों के निश्चित स्तर के पास में ही ट्रेड कर रहा है और स्टॉक इनफैक्ट 4000 से 2200 तक वंस अपॉन अ टाइम ये काफ़ी फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, बट उसके बाद से हमने इसमें कंटिन्यूस सेल ऑफ देखा। और आई थिंक अब जैसे बिहार में ऐसा हुआ कि उन्होंने शराबबंदी की बात की और नीतीश कुमार चुनाव जीते, और ये तमिलनाडु में भी अब बिल्कुल लगता है कि ऐसा ही होगा क्योंकि मैनिफेस्टो में दोनों पार्टियों ने किया है, तो मुझे लगता है कि एक ये और जो मार्केट वरीड है इस बात को लेकर कि यदि यही एक विनिंग फार्मूला बन जाए आगे जाकर कि शराबबंदी का अनाउंसमेंट करने के साथ यदि पावर में आया जा सकता है तो कई सारे और स्टेट गवर्नमेंट्स इसको फॉलो कर सकती हैं, जो काफ़ी निगेटिव है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, तो इस सेक्टर को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और इसके अलावा यदि आपके पास होल्ड डिलीवरीज हैं इसकी तो मेरा मानना है इस सेक्टर में से निकल जाइए। जरूर स्टॉक लोस पर है पर यहाँ से और लिक्विडेशन इन स्टॉक्स में आ सकता है, बिल्कुल दूर रहने की सलाह रहेगी। लिक्विड स्टॉक से दूर रहिए, जितना लिक्विड से दूर रहने की राय दी जाती है उतना ही अब स्टॉक से भी मिहिर दूर रहने की राय दी जा रही है।